आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी डिश लाई हूँ जो सबकी फेवरेट है, मतलब सबकी होगी फेवरेट, मुझे जैसे लगता है स्पेशली गांव वालों की तो सबसे ज्यादा फेवरेट होने वाली बात तो सही है। तो वो आज हम अपने बाबू को सरप्राइज भी देंगे और आपको एक सर्दी की सुगात भी दिखाते हैं। सो लेट्स सर्दियों की सुगात, साग। तो साग आ चुके हैं हमारे घर में भी। भाई जब आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो हमारे घर में तो सबसे पहले अच्छा हमको सिखा रिया है आ जाएगा। सो गाइस, ये है मेरे बाबा की सबसे सबसे ज्यादा फेवरेट डिश है। ये मेरे बाबा की, ये मेरे बाबा हमेशा बड़े शौक से खाते थे। बचपन में कहते थे मुझे साग अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब उनको इतना पसंद है कि वो इतना शौक से खाते हैं। और एक और बात कि ये मेरे पापा को पता नहीं है कि आज हम लोग बना रहे हैं साग, तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता लंच में क्या बने हैं आज। तो पापा को सरप्राइज़ भी दे देंगे और साथ ही साग भी टेस्ट कर लेंगे। तो मुझे तो इतना पसंद नहीं है, बहरहाल आज हम लोग टेस्ट करके आपको बताएंगे कि साग ये रियली टेस्टी होता है साग या नहीं। सो टेस्ट करते हैं इसको। आज अभी हमारे टेस्ट करने का टाइम आ चुका है और हम लोग साग टेस्ट करके बताते हैं कि साग कैसा है। तो ये मैं अपनी प्लेट रख रही हूँ और साग हमेशा प्लेट में नहीं, हमेशा पराठे के ऊपर डाल के जो खाने का स्वाद है ना वो अपना ही है। सो हम लोग टेस्ट करते हैं एंड बाबा को सरप्राइज देंगे, तो बड़ा खुश होंगे बाबा क्योंकि ये उनकी फेवरेट डिश है। और किसी की भी है तो मुझे कमेंट में बताना, लेकिन हम टेस्ट करते हैं। सो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी अभी हम स्कूल से आए हैं, मैं रेडी होके मैंने बोला चलो बाबा को सरप्राइज भी दे देंगे और व्लॉग भी बन जाएगा, तो चलो हम भी टेस्ट करते हैं। वैसे मुझे इतना साग नहीं पसंद, मैं बता रही हूँ, बट चलो लेट्स टेस्ट देन। मजा आया। मिर्चे बस हवा निकल गई, हाई लेवल। और टेस्ट उससे भी बवाल लेवल। गाइस बहुत ज्यादा मजे का मम्मा मेरी साग बनाती हैं, जिसके मुंह पे ये देख के पानी आ रहा है वो आज वो मेरे घर में आप लोगों को खिला दूंगी साग। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सोके सोके देख सकते आप लोग, गाइस बहुत टेस्टी है। मुझे इतना टेस्ट लग रहा है तो बाबा को क्या लगेगा, क्योंकि उनकी तो फेवरेट डिश है। तो यार मैं भी रोटी खाऊंगी, वरना क्योंकि मैं वैसे खाती नहीं हूँ ज़्यादातर, मैं दोपहर का खाना नहीं खाती, लेकिन आज मैं ये खाना खाऊंगी और इसको फिनिश करूंगी और बाबा के आने का इंतज़ार भी करेंगे, क्योंकि वो गए हुए काम पे, काम से आएंगे, फिर हम उनको ये सरप्राइज देंगे। तो हम ये देखेंगे कि उनको कैसा लगता है ये सरप्राइज। तो रहिएगा साथ, कर देना वीडियो को लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड और पिछले भी व्लॉग देख लिया करो भाई मेरे, ये वाले नहीं पिछला भी व्लॉग जाके इसके बाद देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दिएगा। इंशाल्लाह बाबा के रिएक्शन देखते हैं इस साग पे। सो बाबा घर में आ गए हैं, चलो जी अब उनको खाना देने चलते हैं। बाबा को खाना देने के लिए रेडी कर दिया है, ये देख लो, चलो देने चलते हैं बाबा को। हाँ जी क्या रखना है तुमने, रुको दे रही हूँ। ये है बाबा का खाना साग, तो चलो देने चलते हैं बाबा को। क्या हुआ, फ्रिज खोल दो, क्या रखना है, सबर। चलो जी ये रहा आपका खाना, आपकी फेवरेट साग बनाई आज हमने, टेस्ट करो कि यार सर्दियों की सुगात आ गई। हमने बोला बाबा के लिए ले आते हैं, बाबा को अच्छा लगता है साग। क्यों कैसे गैस, जब भी हम बनाते हैं बाबा ही सारा साग खत्म करते हैं, हम लोग हमारे घर में कोई भी इतने शौक से नहीं खाता। ये लो जी यम्मी बहुत अच्छा बना है गाइस साग, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है सच्ची में, गुड कसम से बहुत मजे का। बना लूं चाय, अब चाय पीनी है लाजमी, बना मैं बना के लाती हूँ इनके लिए चाय। अब ओ याद है बाबा मक्खन लेके आऊं, नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता मक्खन। क्यों, पिछली दफा बाबा ने जब हमने साग बनाया था तो हमने कौन सी रोटी साथ बनाई थी, मकई की रोटी, तो उसके साथ कैसा लगता था बाबा आपको, रोटी इसी के साथ मजा। चलो मैं चाय बना के आती हूँ। और गाइस हमने चाय रख दी, अब जब दूध उबलता है तो फिर हम आगे काम करते हैं, इसमें पत्ती वगैरह डालते हैं।
गैस अब मैं खाऊंगी केले, क्योंकि अभी दूध बनने में देर है, तो मैं तब तक खाऊंगी केले, क्योंकि मुझे ऐसा ऐसा लग रही है भूख। तो मैंने मम्मा को बोला मम्मा केले काट दो, मम्मा ने मुझे काट दिए और अभी मैं खाती हूँ इनको और साथ चाय भी बनाती हूँ। चाय में डाल दी है हमने चीनी पत्ती और अभी हमारी चाय उड़ गया आस्ता आस्ता रेडी। तो ये देख सकते हो, बात तो सही है। बाबा को मेरी हाथ की चाय पसंद है, इस वजह से मैं ही बनाती हूँ चाय। और आधे व्लॉग में मैंने डाला भी है कि मैं अब चाय बनाने जा रही हूँ, सो आप लोग खुद ही देख सकते हो। और यहाँ पे और मेरी प्लेट पूरी ख़त्म हो चुकी है, मैंने सारे बनानास ख़त्म कर दिए और अब मेरा और दिल्ली निकल रहा, मेरा पेट बहुत फुल हो चुका है, तो मैं नहीं अब ये खाऊँगी। बस यार बस पेट बहुत फुल हो चुका है, बाकी हमारी चाय रेडी होती है, हम बाबा को जाके देते हैं। चाय हमारी होगी रेडी, तो अभी चलो जाते हैं देते हैं इनको चाय, क्योंकि लोग चाय के बहुत दिवाले हैं। सो लेट्स गो। ये लो जी बाबा जी, बिस्मिल्लाह। देख के जालम यार, अब यही होता है, कहाँ से व्लॉग बना रहे हो, क्या हो गया, छोड़ो इनको। सो गाइस बाबा लोगों को चाय दे दी है, बाबा लोग पीने लगे हैं अब चाय। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसे व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।